अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बताएंगे कि भाई प्रोडक्ट लेआउट को मजीद कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हाउ टू कस्टमाइज प्रोडक्ट लेआउट इन वो कॉमर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रोडक्ट लेआउट बेसिक बिल्कुल बताया था और वहाँ पे कुछ मसले भी आ रहे थे, थीम कंपेटिबिलिटी के इशू थे दोस्तों। तो मैंने एक दूसरी इंस्टांस पे काम कर रहा हूँ, दूसरी थीम में, तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मोस्टली एलिमेंट्स काम कर रहे हैं हमारे जो कि थीम में कंपेटिबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम आएंगे अपने प्रोडक्ट के टेम्पलेट पे। प्रोडक्ट टेम्पलेट पे आए, इसको मैंने क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, एडिट करा हुआ, ये मैंने यहाँ पे पेज खोला हुआ, सही है। और ये मैंने एक बेसिक लिया हुआ कॉलम, मैं अब यहाँ शॉप पे आता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैंक आना चाहिए, जैसे कि दो कॉलम आ रहे हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ ब्लैंक आ रहा है, डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन उठा रहा है, ठीक है। तो अब हम हाँ अपना लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इधर इमेज होती है, इधर आप पर डिस्क्रिप्शन होती है, तो मैं यहाँ पे इमेज यहाँ ले लूँगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं वो तो गुड है, वेल एंड गुड है, जो नहीं कर रहे हैं वो या तो वो फिल्ड नहीं होते, नॉर्मली रेटिंग का इस पर काम नहीं कर रहा है, तो या तो वो रेटिंग्स की होगी नहीं पहले से अवेलेबल, मतलब उसमें रिव्यूज़ नहीं आए होंगे, तो ये इशू हो सकता है। मैंने ट्राई की थी, कुछ चीज़ इसमें नहीं चल रही है, कुछ एलिमेंट्स में नहीं शो हो रहे थे, तो कोई ना कोई रीज़न होगा उसका, लेट्स फाइंड आउट। ये मैं स्टाइलिंग पे नहीं आ रहा, सिंपल टाइटल लिया मैंने यहाँ पे, सही है। और टाइटल के अंदर मैंने इसी तरह ले लिया, मैंने यहाँ प्रोडक्ट टैग, अगर टैग मौजूद होंगे तो टैग आ जाएगा। और इमेज को मैं यहाँ रखूँगा, इस साइड पे ले आऊँगा, सही है। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ड्रैग करके इधर ले आएंगे, सही। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सही रहेगी हमारे लिए। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ है आप भाई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये रही, सही। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रख दी। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की इमेज हो गई, टाइटल हो गया, रेटिंग, रेटिंग्स में काम नहीं कर रहा तो हम रिव्यू लेंगे, सही है। रिव्यू का सेक्शन आ जाएगा पूरा, तो ये रिव्यू का सबसे आखिर में रखते हैं, रिव्यू का यहाँ पे ले आएंगे, ये इमेज खाली है इसके नीचे। इसी तरीके से को बैलेंस करने के लिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेंगे हम, कंटिन्यू शॉपिंग बटन, अच्छा ठीक है। ब्रेडक्रम्ब भी ले लेंगे हम यहाँ पे, जो लिंकिंग ये पेज पता चलता है कौन से पेज का लिंक कहाँ लेके जा रहा है आपको। इसी तरीके से प्रोडक्ट डायमेंशन बता रहा है भाई, ये शो रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट वैसे तो दोस्तों एंड में बिल्कुल यहाँ पे दी हुई है, अगर आप लोग मजीद कोई कस्में चीज़ें चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ दोबारा रिलेटेड प्रोडक्ट कॉल हो जाए, तो ये अपने हिसाब से आप कॉल करा सकते हैं। प्रोडक्ट पर पेज आपने लिख दिया, सिक्स लिख दिया कॉलम आपने, सेव कर दिया, ठीक है, सेंडिंग कर दिया इसको और सेव कर लिया। अब ये तीन तीन चीज़ें हमने ली हैं और नीचे एक फुल विड्थ का कॉल लिया है, रेटेड प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। ये अपने हिसाब से आप प्रोडक्ट का लेआउट, जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, सिंगल प्रोडक्ट पेज, वो आप डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये स्लाइडर 6 हो गया, ठीक है, स्लाइडर बन गया, सही। इसी तरीके से मैंने यहाँ टैग्स कॉल कराए थे, यहाँ मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉल कराई, टाइटल कॉल कराई थी, ये आ गया, ये मेरा ब्रेडक्रम आ गया, ये प्रोडक्ट की इमेज आ गई, ये रिव्यूज़ का सेक्शन आ गया, तीन तीन चीज़ें कवर हो गई दोनों। अब मजीद और चीज़ में देखते हैं क्या हो सकता है भाई, मैं यहाँ रिव्यू वाला अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता हूँ भाई, सिंगल एड टू कार्ट ये लगा देते हैं, और प्रोडक्ट शेयर, प्रोडक्ट शेयर का भी इसमें आएगा, आप नहीं प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, सही। प्रोडक्ट शेयर ये रहा, मैं यहाँ लाता हूँ प्रोडक्ट टैब भी ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट टैब्स आ गए यहाँ पे, और इसको अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट आ करा है मैंने, देखिए भाई जबरदस्त हो गया ये तो, ये एक बड़ा जबरदस्त लेआउट बन गया हमारा। इसमें अगर फजूल चीज़ें हटा सकते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये कि इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ये इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये और अच्छा लगेगा इमेज को। ये कॉलम मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। तो ये देखें ये अच्छा लग रहा काफ़ी सही है, रिव्यू इसमें 0 है अभी। प्रोडक्ट एड टू कार्ट का पूरा ये सेटअप आ गया, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शेयरिंग भी आ गया, ऑप्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपने लिया था वो भी आ गया। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो ये स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, हर एलिमेंट को एडिट करके क्लास दे दें और उसको CSS दे दें स्टाइल डॉट ये या मार्जिन पैटिंग यहाँ सेट करनी है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह सिंगल एड टू कार्ट का इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्टाइल करने के, कि आप यहाँ पे क्लासेस देके और यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन में आकर उसको सेट कर लें, मार्जिन पैडिंग से कलर वलर बॉर्डर वॉर्डर जो भी सारी चीज़ आप करनी है, ठीक है। इसको गैलरी साइडें बनाना है थीम डिफॉल्ट, उसको गैलरी साइडें बना सकते हैं आप, ठीक है। और प्रोडक्ट टाइटल के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रखनी है आपको, फॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फॉन्ट फैमिली और एनिमेशन ये सारी चीज़ें क्या रखनी है, ठीक। अब मज़ीद एलिमेंट देखते हैं इसमें हम, अब कंटिन्यू शॉपिंग का बटन देखते हैं क्या करता है हमारे पास। और यहाँ पे सिंगल मेटा, इसी तरह सिंगल मेटा हो गया हमारे पास। और सिंगल मेटा प्रोडक्ट डायमेंशन क्या करता है देखते हैं, इसको सेव करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं भाई। सही, ये हमारे पास क्या कर रहा है भाई, प्रोडक्ट शेयर के नीचे ये सिंगल मेटा का ये डाटा आ गया पूरा, सही है। कंटिन्यू शॉपिंग का वहाँ पर ये बटन आ गया, ये दोबारा शॉप के पेज पे ले जाएगा। और फिलहाल इसका इसका देखना पड़ेगा, ये तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट डायमेंशन के साथ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रही है फील्ड। सही है, ब्लैंक आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। तो दूसरी कोई फील्ड ले लेते हैं, अभी हम सिर्फ ये प्रोडक्ट के जो फील्ड हैं उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरह सिंगल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, वहाँ पर कोई एट्रीब्यूट होगा नहीं, अगर है तो ये इसको देख लेते हैं यहाँ पे। और इसी तरह प्रोडक्ट के पेजेस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये होगा कि आपको सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे शो कर देगा विद नंबर काउंट के साथ, चाहिए इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे सेव करने के बाद इसको दिखाता हूँ आपको मैं, कंट्रोल शिफ्ट आर करा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज शो हो जाएंगी सारी इस तरह आ रही हैं, इसको सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, आप सेट कर लें इस तरह करनी है आपको, फिलहाल इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की, तो वो आप कर लेगा जो आपको अपने हिसाब से समझ में आए भाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 कॉलम्स कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है भाई। रोगे मैंने कर दिया 10, क्यूरी की ज़रूरत नहीं है, असेंडिंग कर दिया इसको, अब सेव करने का अपडेट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आर करने के बाद चेक करते हैं क्या आ रहा है। इसका लेआउट आपको सेट करना पड़ेगा आपको CSS से, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे सेट नहीं आ रहा, या तो सेटिंग से कर लें या तो इसको क्लास दे के सेट कर लिया, ठीक है। फिलहाल कैटेगरीज आ रही है, नंबर और प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है, ये डायरेक्ट उस कैटेगरी पे लेके आएगा जो उसको प्रोडक्ट असाइन हुई हुई है, सही है। बैक कर हमने, इसी तरीके से हम यहाँ पे आ गए, हमने मज़ीद कोई एलिमेंट चेक कर लेते हैं जो अच्छे हों उसके अंदर, वो कॉमर्स नोटिस, ठीक है। और वो कॉमर्स पेजेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ एक था यहाँ पे माय अकाउंट के नाम से, कि माय अकाउंट का पूरा डैशबोर्ड आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको जहाँ जिस कॉलम में शो कराना है वो शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माय अकाउंट कहाँ गया, माय अकाउंट
मिल ही नहीं रहा माय अकाउंट। अच्छा वो कॉमर्स पेजेस लिया हमने यहाँ से इसी तरीके से। प्रोडक्ट टैब ले लिया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। आइडिया हो जाएगा फिलहाल वो टैब शायद किसी और उसमें होगा पेज के ऊपर। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आर करके पता चल जाएगा। मैं भाई यहाँ से मैंने क्या रिमूव कर दिया, मैं कुछ रिमूव नहीं कर रहा, कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी रिमूव कर दिया, उसको अपडेट कर दिया और अब चेक करते हैं इसको मज़ीद क्या चीज़ हमारे पास आई हैं और क्या नहीं आई। यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है भाई प्रोडक्ट कंटिन्यू शॉपिंग बटन के बाद भाई यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट कुछ नहीं था तो उसमें ब्लैंक आ रहा है। प्रोडक्ट टैब्स आ गए यहाँ पर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई ठीक है। और इसके बाद मेटा के बाद मोटिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लैंक आ रहा है। वो कॉमर्स पेजेस में आपको यहाँ से ये था शायद, ये था माय अकाउंट, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। जो पेज आपको शो करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं छोटी से कॉलम के अंदर। पूरा माय अकाउंट का डैशबोर्ड आ गया, ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। तो ये लॉगिन है, वैसे लॉगआउट होगा तो क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर यही हम लॉगआउट प्राइवेट विंडो में देखते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है, ये किस तरह का व्यू आता है माई अकाउंट का लॉगिन का। ज़बरदस्त हो गया ये बात, ये एक मैंने आपको पूरा व्यू बना के दिखा दिया दोस्तों। बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि अपने हिसाब से आप पूरा एक फिल्टर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कितने कॉलम लेने क्या है। आपको बेसिक वीडियो में आप देख लीजिएगा मेरे या डब्ल्यू बेकरी के किस तरह यूज़ करना है, कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी और फिर आप में आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आप मुझे पता चलेगा आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और इस तरह के लेक्चर आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।